सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक और फेब्रुअरी बैच की कंपनी, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में उनके स्टाइपेंड एंड वेटिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अभी तो मैं ऑन बोर्ड जाने वाला भी हूँ। तो यू विल गेट गुड स्टोरीज, यू विल गेट गुड शॉर्ट्स एंड वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी वीडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म 1st of November को आया था एंड इट इज अवेलेबल टिल 5th of January 2024। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम मिला है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अप जाएगा। अभी इस बार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 40 सीट्स के साथ आ रहा है एंड जो फी है MTI, Maritime Training Institute, Shipping Corporation of India एक कंपनी है एंड उसकी खुद की इंस्टीट्यूट है Maritime Training Institute, जहाँ पे वो बच्चों को DNS करने के लिए भेजता है। तो उसका फी है 6,65,000 एंड यहाँ पे क्लियरली उन लोगों ने मेंशन किया है देयर इज नो लोन फैसिलिटी अवेलेबल उनके तरफ से, बट दे विल डेफिनेटली गाइड यू रिगार्डिंग द लोन। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहला है फेब्रुअरी बैच के सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल, दैट इज IMU CET में आपका रैंक होना चाहिए। तो अगर August 2023 बैच का आपने CET दिया है एंड आपके पास रैंक है, यू आर एलिजिबल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड इसके साथ साथ अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ क्लास 12th किया है विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कंबाइंड परसेंटेज एंड इंग्लिश परसेंटेज भी आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिला है ओनली इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, नॉट इन इंग्लिश। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। BSc वालों के लिए भी है, अगर BSc आपने किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक विद फिजिक्स, तो आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए इन द फाइनल ईयर। एंड अगर आपने BTech कर रखा है तो आपको फाइनल ईयर में 50% से कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ले, तो एज लिमिट आपका 25 ईयर से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। एंड रिलैक्सेशन है SC ST के लिए यहाँ पे भी 5% का, मतलब ये 25 से बढ़ के 30 हो जाता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स वही सेम है, आपका हाइट का रिक्वायरमेंट 157 cm होना चाहिए एंड वेट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट इट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट विद द हाइट, मतलब आपका BMI 17-25 के बीच में होना चाहिए। हियरिंग एड नॉर्मल होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात कर ले, तो 6x6 सारे कंपनी के लिए फिक्स है कि आपका आंख 6x6 का ही होना चाहिए विदाउट एनी विजुअल एड एंड कोई भी आपका कलर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। तो ये है। बाकी हाउ टू अप्लाई पे आते हैं, तो हाउ टू अप्लाई में आप सीधा नीचे जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज है वो 500 है जनरल एंड OBC के लिए, 300 फॉर SC ST के लिए। तो वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो एक मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, देन यू विल हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। एक काफी बेसिक सा इंटरव्यू होगा, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक फॉर्मेलिटी टाइप का है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो यू आर गुड टू गो इन SC ST MTI एंड यही है प्रोसेस इनका पूरा डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग वेटिंग पीरियड के बारे में। तो वेटिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड, ये दो प्रॉब्लम मेरे को लगता है इस कंपनी में, बिकॉज वेटिंग पीरियड की अगर बात करेंगे तो 1.5 से लेकर 2 साल तक का आपका वेटिंग पीरियड हो सकता है यहाँ पे। एंड स्टाइपेंड की बात कर ले तो 12,000-15,000 के बीच में कुछ रहता है यहाँ पे स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड का भी प्रॉब्लम है, अगर आप स्टाइपेंड को एक टाइम के लिए सोच लेते हो कि चलो बेसिक स्टाइपेंड है मेरे को इससे मतलब नहीं है, बट वेटिंग पीरियड यहाँ पे 1.5 ईयर से 2 ईयर तक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तभी आप इसके लिए जा सकते हो एंड अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू कैन गो टू अदर ऑप्शन आल्सो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो फटाक से। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।